नमस्कार, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और साबूदाना से पुड्डू। इसे कई जगह अप्पे कहा जाता है, कई जगह अप्पम कहा जाता है। इसे हम व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि ये आलू और साबूदाना से बनेंगे। हम पुड्डू बनाना शुरू करें उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। आज हम आलू और साबूदाना से बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाने जा रहे हैं। ये स्टफ्ड पुड्डू बनाएंगे। इसे आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, शाम को 4 बजे के करीब चाय के साथ खा सकते हैं, और आप व्रत में भी खा सकते हैं। ये बहुत हेल्दी और बहुत हल्का नाश्ता है। साबूदाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आइए शुरू करें और बताएं आपको कि उसके लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है, हमने क्या क्या लिया है। एक बाउल हमने साबूदाना लिया है, इसको हमने 5 घंटे पहले भिगो दिया था। देखिए ये ऐसा है, फूल के ये ऐसा हो गया है। आधा बाउल उबले हुए आलू, 2 मीडियम साइज के, थोड़ा सा घी पुड्डू में डालने के लिए, हरा धनिया, हरी मिर्च, काली मिर्च और सेंधा नमक। ये सेंधा नमक इसलिए लिया है कि हम व्रत में भी खा लें इसको। और बाकी आप अगर ऐसे ही नाश्ता बना रहे हैं जनरली बिना व्रत में खाने के लिए, तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हो, गरम मसाला भी डाल सकते हो। जैसा आप स्पाइसी आपको खाना है तो स्पाइसी खा सकते हो, और स्पाइसी नहीं खाना है तो प्लेन भी खा सकते हो। सबसे पहले हमने मिक्सी का एक जार लिया है और इसमें ये साबूदाना डालेंगे। साबूदाना जार में हमने ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसको पीस लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। इसमें 1-2 चम्मच पानी और डालेंगे। अब इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको हमने हाई पे पीस लिया है। अब देखते हैं कैसा पेस्ट तैयार हुआ है। इसका हमने ऐसा पेस्ट तैयार कर लिया है। पेस्ट की कंसिस्टेंसी ये रहेगी। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। सेंधा नमक डालेंगे तो व्रत वाले भी लोग खा लेंगे और बाकी के लोग भी खा लेंगे। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, ये घर की कुटी हुई काली मिर्च है। व्रत के लिए मैं सब चीजें अलग बना के रखती हूँ। थोड़ी धनिया की पत्ती डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए उबले हुए आलू, आलू के छोटे छोटे टुकड़े करके हमने ले लिया है। ज्यादा मेल्ट करके बिल्कुल नहीं बनाना है इसको, ऐसे पीसेस रखने हैं छोटे छोटे इस तरह के। इसमें 1/2 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे, आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च, 2 ग्रीन चिली बारीक कटी हुई, थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ और अच्छी तरह से धुला हुआ। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आप लाल मिर्च खाते हो तो लाल मिर्च भी डाल सकते हो, और आपको अगर कोई भी मिर्च नहीं खानी है तो आप मिर्च ना भी डालो। आलू के टुकड़े बहुत बड़े नहीं रखने हैं, इस तरह से रखना है, देखो आप ऐसे। अब हम इसके बॉल बना लेंगे छोटे छोटे, इस तरह से, ये देखिए। बॉल तैयार कर लिए हमने। ये पेस्ट तो थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें, हल्का सा पतला करेंगे इसे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम पुड्डू मेकर को थोड़ा थोड़ा सा घी लगा के इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। गैस के फ्लेम को ऑन कर लिया है और इस पे ये पुड्डू मेकर चढ़ा दिया है। जब तक हम बैटर डालेंगे फ्लेम को लो रखेंगे। अब हम इसमें साबूदाना वाला बैटर डालेंगे। अब हम इसमें आलू की एक एक बॉल रख देंगे। बॉल रख के बिल्कुल हल्का सा सेंटर में प्रेस कर देंगे, बिल्कुल हल्का सा। अब हम इसके ऊपर से और बैटर डाल देंगे इस तरह से। आलू के बॉल को पूरा ढक देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे। गैस के फ्लेम को लो करके इसमें हम ढक्कन लगा देंगे। आइए ढक्कन खोलते हैं, देखते हैं। अभी एक साइड से थोड़े सिक गए हैं, अब हम इनको धीरे धीरे पलटेंगे। देखें अभी पलटने लायक हुए हैं कि नहीं। अभी नहीं हुए पलटने लायक, थोड़ा टाइम और लगेगा। आइए देखें, अब हम इनको पलटेंगे। देखिए कितने अच्छे फूल के तैयार हुए। ऐसे ही सारे पलट देंगे। देखिए कितने अच्छे फूल के तैयार हुए। अब हम गैस के फ्लेम को 2-3 मिनट के लिए हाई कर देंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे। अगर आप डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो ना डालो, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप बिल्कुल घी नहीं खाना चाहते हो तो इसमें बिल्कुल उंगली से ग्रीसिंग कर दो, और वैसे भी नॉन स्टिक है तो इसमें घी की इतनी जरूरत भी नहीं है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। अब फ्लेम को हम लो कर देंगे, 2-3 मिनट पकने देंगे। आइए चेक करते हैं। पुड्डू बहुत अच्छे सिक गए हैं, अब ये तैयार हो गए। ये बीच वाले तैयार हो गए, साइड के और देखें, साइड के भी तैयार हो गए। देखिए कितने अच्छे पुड्डू तैयार हुए हैं। ऐसे ही सारे पलटने हैं और 2 मिनट के लिए ढक्के और बस सर्व करने के लिए तैयार हैं। 2 मिनट के लिए और ढक्कन लगाएंगे इस पे, इससे दोनों साइड से बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। लीजिए दोनों साइड से सिक गए हैं। इन्हें आप मीडियम और लो पे ही सेकेंगे तो ये अंदर तक बहुत अच्छे सिकेंगे
और खाने में बहुत टेस्टी एंड क्रिस्पी बनेंगे। तो आइए अब निकालते हैं। गैस के फ्लेम को ऑफ करके और इसको हम उतार के रख लेते हैं नीचे। गर्मा गर्म खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए कितने अच्छे फूले हैं ये, और बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी, एकदम लाइट हो गए। इस तरह से हम सारे पुड्डू निकाल लेंगे। बहुत लाइट वेट हो गया इनका। देखिए कितने अच्छे पुड्डू बनके तैयार हुए। ये देखिए स्टफ्ड आलू इसके अंदर है। तो आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए, और कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय।